पटना सिटी की बाईपास थाना पुलिस ने छोटी पहाड़ी इलाके से लूटपाट के इरादे से घूम रहे बाइक सवार तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 2500 रुपए नगद के अलावे दो मोबाइल भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुकामा निवासी छोटू उर्फ मोहम्मद फैज और लखीसराय जिला निवासी मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद मोहित के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को देखते ही बाइक सवार अपराधी भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने खदेड़कर जब तीनों को पकड़ा और उनकी तलाशी ली तो उनके पास से हथियार बरामद किया गया। सूचना के आधार पर छोटी पहाड़ी के पास हम लोग वाहन चेकिंग लगाए थे। उस दरमियान जो है एक व्यक्ति, एक अपाची मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवार थे। जब इनको चेक किया गया तो इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और दो मोबाइल और 5200 रुपया बरामद हुआ, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर इसको लाया गया, थाना लाया गया। और ये जो है एक मोकामा का रहने वाला है, दो लखीसराय का रहने वाला है। ये लोग यहाँ लूट का अंजाम देने के लिए आए हैं।